आज की वीडियो में बात करेंगे 020 के बारे में। इन्फिनिक्स का न्यू डिवाइस है, इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट प्राइस बताऊंगा मैं आपको पाकिस्तान इंडिया में। यहाँ पर मेरे पास 100% ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और यहाँ पर ऑनलाइन मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है ऑनलाइन और कितने का मिल रहा है ये बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। तो बहुत कुछ है वीडियो में बात करने के लिए, वीडियो आपने कम्प्लीट वॉच कर लेनी है कम्प्लीट नॉलेज के लिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल के डिजाइन के हवाले से। देखें डिजाइन हमारे सामने ये नजर आ ही रहा है, हमें ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। फ्रंट की तरफ मुझे वाटर ड्रॉप नॉच नजर आ रही है यहाँ पर वॉलपेपर के अंदर। थोड़ा जूम कर दिखाऊं मैं आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वाटर ड्रॉप नॉच नजर आ रही है। और बैक पर हमें डुअल कैमरा सेटअप नजर आ रहा है, डुअल कैमरा सेटअप नहीं ट्रिपल कैमरा सेटअप नजर आ रहा है। वैसे तो डुअल कैमरा होल्स दिए गए हैं। अभी यहाँ पर मैं बात कर लूँ इसकी कुछ लॉन्च के हवाले से कि कब लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें पाकिस्तान में फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है कि कब लॉन्च किया जा रहा है, बट वी होप सो कि जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। अब जल्द से मुराद ये है कि अक्टूबर भी हो सकता है और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, यहाँ पर सेकंड वीक थर्ड वीक अक्टूबर का हो सकता है इसको लॉन्च करते हुए पाकिस्तान में। ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी यहाँ पर बात कर लूँ चंद प्राइजिंग की, क्या प्राइजिंग आने वाली है। देखें अगर यूरो से कन्वर्ट की जाए इसकी प्राइजिंग, तो पाकिस्तान में लगभग आ रही है कुछ 71,000 के करीब। बट यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए एक और खसूसी पैकेज है, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ अगर इंडिया की लॉन्च डेट, इंडिया के में मेरे ख्याल से लॉन्च हो जाएगा जब पाकिस्तान में आएगा, तो उससे पहले या बाद में इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। और इंडिया में लगभग प्राइस आ रही इसकी 25,000 रुपये। और जो लोग पाकिस्तानी हैं तो वो यहाँ पर अली एक्सप्रेस पर ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल 60,000 का बिक रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अली एक्सप्रेस का मैं स्नैपशॉट ले लिया और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो अली एक्सप्रेस में ये 59,322 रुपीज़ का बिक रहा है और ये क्लेम कर रहे हैं कि 84,000 का ऑलमोस्ट ये है मोबाइल, ठीक है। तो ऑनलाइन जो ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बेशक ऑर्डर, बट ऑफलाइन मार्केट में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अभी हम देखते हैं मोबाइल कैसा है और जब 60,000 की प्राइस को देखते हुए देखेंगे मोबाइल की अंदर क्या स्पेसिफिकेशन अच्छी है क्या बोरी है। ओके यहाँ पर देख लें, आज अनाउंस कर दी, आज नहीं सॉरी, ये अनाउंस किए गए हैं 2 दिन पहले 27 सितंबर 2022 को। और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ रहा है, एमोलेड डिस्प्ले अच्छी बात है, 60,000 की रेंज में एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है विद 6.7 इंच स्क्रीन, स्क्रीन साइज भी बड़ा अच्छी बात है। और यहाँ पर देखें FHD रेजोल्यूशन मिल रही है विद हीलियो G99 प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट भी है, साथ में 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर भी तैयार करता प्रोसेसर। डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज। अभी तक ये मोबाइल काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव नज़र आ रहा है, बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। कैमराज देखते हैं क्या कैमराज आ रहे हैं, कैमराज तो कैमरा देख सकते हैं। मेन सेंसर हमें क्या मिल जाएगा, मेन सेंसर हमें मिलेगा 108 MP का और 13 MP का यहाँ पर एक और सेंसर लगाया गया है, 2 MP का कोर सेंसर लगा गया है। क्वाड यहाँ पर हमें LED फ्लैश ही मिल जाएगी और यहाँ पर 1440p की यहाँ पर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मीन्स के QHD QHD जिसको कहते हैं। 60 MP का यहाँ पर सेल्फी कैमरा मिल रहा है विद OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट मिल जाएगी फ्रंट के ऊपर, फ्रंट के ऊपर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा बड़ी नवी बात लग रही है मुझे तो वैसे। अच्छा अभी बात कर लेते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। देखें बैक कैमरा के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है नहीं, तो फ्रंट पे क्यों आ गई, या तो स्पेसिफिकेशन लिखने वालों ने कोई गलती करी है या फिर इन्फिनिक्स वालों ने कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें 3.5mm जैक की, तो 3.5mm जैक मौजूद है इस डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ का वर्जन शो नहीं किया गया, टाइप सी 2.0 फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें साइड में मिल जाएगा, 4500 mAh विद 45W फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग भी कम है और ये साथ में इसके बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी बहुत कम ही लग रही है मुझे। अदरवाइज के कैमरा डिपार्टमेंट को निकाल दिया जाए यहाँ पर, यहाँ सॉरी कैमरा डिपार्टमेंट को नहीं, बैटरी डिपार्टमेंट को निकाल दिया जाए, अदरवाइज मोबाइल फुल बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। एटलीस्ट अगर 60,000 प्राइस की मद्देनजर रखी जाए तो मोबाइल काफ़ी बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। एमोलेड डिस्प्ले है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है। अब बहुत से लोग कहेंगे प्रोसेसर तो हमें 40,000 की रेंज में ही मिल जाएगा आने वाले वक्त में, या 50,000 की रेंज में मिल जाएगा। ये देखें एमोलेड डिस्प्ले भी तो मिल रहा है, बेशक 120 हर्ट्ज का नहीं है बट 90 हर्ट्ज का तो है। अगर 120 हर्ट्ज का होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अदरवाइज मुझे इसके कैमरा, जब इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएंगे तो कैमराज के हवाले से मुझे कुछ कंसर्न नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें
यहाँ पर अपर्चर शो नहीं किया गया, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आ गई है, कोई अजीब सा लग रहा है। फ्रंट कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ही आ गई है और बैक कैमरा में है नहीं है। अब पता नहीं इनका ये कोई सेल्फी कैमरा इन्होंने बना दिया ओप्पो वालों की तरह या वीवो वालों की तरह, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी कि एक मोबाइल कैसा आता है और ऑफलाइन मार्केट में पाकिस्तान में कब अवेलेबल होता है। जब ये इसका ऑफलाइन मार्केट का कुछ निकल कर आ जाएगा या कब पाकिस्तान में आ रहा है और क्या प्राइस आ रही है इसकी पाकिस्तान के अंदर, तो मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो इंडिया के मुतालिक भी जैसी रिपोर्ट्स आएंगी मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आपने चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लेना मजीद अपडेट रहने के लिए। वीडियो के मुतालिक कोई सवाल रह गया तो मुझे कमेंट्स कर पूछ लें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।